सिंगर नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और योयो हनी सिंह ने बुधवार को अपना पार्टी ट्रैक कांटा लगा रिलीज किया। तीनों गायकों को यकीन है कि यह गाना फैंस को काफी पसंद आएगा। नेहा और टोनी बुधवार को अपने गाने का प्रमोशन करते स्पॉट हुए। ब्राउन आउटफिट में नेहा यहां काफी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने वहां मौजूद पेपराजी के लिए पोज भी किया और अपना नया गाना भी गाया। हाथ किधर कर रहे हैं? थोड़ा सा मैडम, आपको दो दो डोज हो गए। नेहा मैम रुकिए ना, रुकिए ना, मैम सेंटर, थोड़ा सा मैम, प्लीज हाथ की हम लोग को नहीं, दो बैग में नया जी काम पे चले जाए और मास्क निकाल दीजिए। राजा तेरे महल के पीछे 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 पीछे, क्या बात है, क्या बात है, तेरे तेरे बगीचे नीचे नीचे क्यों काटा लगा, उइमा 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 ओ काटा लगा, आए 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 आए। टोनी कक्कर भी वहां मौजूद थे। टोनी भाई काटा लग गया, रुक जा, काटा लग गया पांडे यार, मेरा मोबाइल फोन हो गया। टोनी भाई इधर, टोनी भाई इधर सेंटर, टोनी भाई ने फर्स्ट कैमरा, सर थोड़ा गाना गुनगुना ना। अरे सर एक दो लाइन, दो लाइन भाई, कांटा लग गया, लगाओ ना यार, कांटा लगा, उइमा 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 उइमा। योयो हनी सिंह, योयो हनी सिंह फेवरेट लेजेंड, लव हिम, लव हिम ट्रूली। जाओ, नेहा का कहना है कि मैंने पहले भी टोनी और योयो हनी सिंह के साथ गाया है, कांटा लगा के लिए एक साथ काम करके बहुत मजा आया। इन दोनों कलाकारों के साथ गाना एक पार्टी के समान था और अब जब यह रिलीज हो गया है तो उम्मीद है कि इसे भी सब गानों की तरह खूब प्यार मिलेगा। मिहिर गुलाटी द्वारा निर्देशित गीत अंशुल गर्ग के लेबल देसी म्यूजिक फैक्ट्री के तहत जारी किया गया है। भाई बहन की जोड़ी नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ रविवार का वार के इस एपिसोड में बिग बॉस ओटीटी के घर में खास मेहमान के तौर पर एंट्री करेंगे। यह देखना काफी दिलचस्प होगा जब दोनों घर वालों के साथ साथ अलग अलग गेम खेलेंगे और अपने पसंदीदा कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। नेहा और टोनी होस्ट करण जौहर के साथ भी बातचीत करेंगे। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ इन दिनों अपने नए गाने कांटा लगा को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। दोनों प्रतियोगियों के साथ बातचीत भी करेंगे। सभी प्रतियोगी अब बिना किसी कनेक्शन के घर में सिंगल खेल रहे हैं। घर के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को देखना अधिक दिलचस्प होगा।